पुलिस रिमांड पर कंप्यूटर बाबा, अंबिकापुरी में स्थानीय लोगों से मारपीट का मामला। पूर्व मंत्री नामदेव दास त्यागी, जिन्हें कंप्यूटर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें मारपीट के एक मामले में एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जिला अभियोजन अधिकारी अक्रम शेख ने कहा कि एक विशेष अदालत ने उन्हें इंदौर में उनके अवैध आश्रम के विध्वंस के दौरान आधिकारिक काम में बाधा डालने के एक अन्य मामले में जमानत दी। डीपीओ ने कहा कंप्यूटर बाबा के खिलाफ दो मामले थे। पहला मामला आधिकारिक काम में बाधा डालने के बारे में, जिसमें अदालत ने उन्हें जमानत दी है। दूसरा अंबिकापुरी आश्रम की घटना के बारे में था, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ हाथापाई हुई थी। इस मामले में अदालत ने उसे एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दो मामले थे इनके। एक मामला था गांधीनगर थाने का, जो शासकीय कार्य में बाधा और एस्ट्रोसिटी का मामला था। उस मामले में विशेष न्यायालय के द्वारा उनकी जमानत स्वीकार की गई। और एक और अन्य मामला था एरोड्रम थाने का, जहाँ पर इन्होंने जो अंबिकापुरी आश्रम की जो घटना थी, जहाँ पर आसपास के निवासियों को लेकर जो ये मारपीट हुई थी, उस मामले में एक दिन का, कल तक का पुलिस रिमांड मिला हमको एक दिन का। दोनों में सर रिमांड मांगा गया था और क्या? हाँ, दोनों में कोई जब्त होना है। दोनों में पुलिस रिमांड मांगा गया था, तो एक में पुलिस रिमांड जब्त हुआ, और जो एरोड्रम का मामला था उसमें तलवार वगैरह जब्त करना, उस व्यक्ति के लिए एक दिन का पुलिस रिमांड लिया। क्या पक्ष रखा गया था सर एक उसमें? अनुसंधान प्रकरण थे, अनुसंधान में, और वेपन जब्त करना है, इसलिए वो अभी नहीं सर, फिर जेल से लेंगे रिमांड को? नहीं, यहाँ से ले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।